ये रिश्ता क्या कहलाता है। खींची जिद करते थे कि उसे अपना बिस्तर चाहिए, अपना कमरा चाहिए। भाई जी ने निके जी का कमरा ना बड़े अच्छे से बनाया होगा। आप ना मम्मा से बात कर लीजिए, उन्हें आपकी याद आ रही होगी ना। कोभीर की याद आ रही है, एक फोन कर लीजिए। इसकी हिचकी तो रुकी नहीं रही है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। लेट्स गो छोटे। मम्मा मुझे लेने आई है। नए माहौल में अगर पुरानी चीजें उसके सामने आएगी तो कोभीर को एडजस्ट होने में मुश्किल होगी। तू इस घर की नई बहू है तो आज से भगवान की आरती तू करेगी। घर की बहू के बदले क्या घर की बेटी आरती कर सकती है? बेटा आरती गाएगी ना। सॉरी मम्मी, लेकिन मैं कान्हा जी की आरती नहीं गाऊंगी। आप मुझे पापा कैसे बुलाएंगे? अभीर का एडमिशन फॉर्म आया था तो मैंने भर। आप तो अभी भी अभीर की माँ है और मैं अभीर का पिता नहीं रहा। डैडा, कितनी दूर दूर खड़े हैं। पापा बेटे के बीच की दूरी जल्दी से खत्म हो जाए। अभिमन्यु अभीर के डैडा बलि बन जाए लेकिन अभिनव हमेशा अभीर के पापा रहेंगे। आप दोनों अपने बेटे अभीर का स्कूल बदलना क्यों चाहते हैं? पहले वो कसौली में रहता था, अब उदयपुर में रहे। तो मिसेस बिरला कसौली में काम करती थी इसलिए बेटा उनके साथ रहता था। नहीं मैम, मैं मिसेस बिरला नहीं, मैं मिसेस शर्मा हूँ। ये रिश्ता क्या कहे?